न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने फिर से की मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की अभद्र हरकत। देश में 3 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले। लखीमपुर कांड में बीजेपी वर्कर की हत्या के मामले में 2 किसानों को गिरफ्तार किया गया। और जामिया ऑक्सफैम सहित 6,000 संस्थाओं के FCRA लाइसेंस समाप्त किए गए। अब खबरें विस्तार से। पिछले एक साल में मुस्लिम महिलाओं से नफरत और उनके प्रति अभद्रता के 2 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनकी खबर पढ़ते हुए भी जनता को घिन आनी चाहिए। मामला है गिटहब नाम की वेबसाइट के जरिए मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी का। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर बुल्ली डील्स नाम का एक ऐप बनाया और देश की मुखर मुस्लिम महिलाओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तस्वीरें पोस्ट कर उनकी नीलामी की। इन महिलाओं में द वायर की पत्रकार इस्मत आरा, JNU के लापता छात्र नजीब की मां और अन्य मुखर महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई है और पोस्ट किया गया है। आपको याद होगा कि 2021 जुलाई में भी सुल्ली डील्स नाम का ऐसा ही एक पोर्टल शुरू किया गया था और उस वक्त उस पोर्टल को कई दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने इसको समर्थन भी दिया था। उस मामले में भी दिल्ली नोएडा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के साइबर थाने में IPC की धारा 153A, 153B, 354A और 509 के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच पुलिस अधीक्षक मंजूर आलम को सौंप दी है। इस बीच मुंबई पुलिस ने साइबर कैफे डिवीजन में समाचार एजेंसी PTI को भी बताया है कि उसने इस प्लेटफॉर्म की जाँच शुरू कर दी है जिसे तब से अब तक हटा दिया गया यानी डिलीट कर दिया गया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर कहा कि गिटहब द्वारा ऐप को हटाया जाना ही पर्याप्त नहीं है, दोषियों को इसके लिए दंडित भी किया जाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की नीलामी का यह मामला है और इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि सुल्ली डील्स में कोई कार्रवाई ना होने का ही नतीजा है कि इस बार बुल्ली बाई को शुरू किया गया। और अब बात कोविड के बढ़ते मामलों के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 3 जनवरी को जारी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार देश में 3 महीने बाद कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान कुल 123 मरीजों की मौत भी हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,877, वहीं पश्चिम बंगाल में 6,153 और दिल्ली में 3,194 नए मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही अन्य राज्यों में भी कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक हफ्ते के अंदर कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आपको बताएं कि 27 दिसंबर से पहले करीब 1 महीने तक कोरोना के 5,000 से 7,000 नए मामले रोज सामने आ रहे थे लेकिन 27 तारीख के बाद से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी तो हुई है और 27 दिसंबर के बाद से कोरोना के 6,358 मामले सामने आए और उसके बाद कल रविवार 2 जनवरी को 33,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 175 नए मामले सामने आने के बाद ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो 1700 हो गए हैं। देश में लगभग हर राज्य में संक्रमण रोकने के लिए बंदिशें भी लगाई गई हैं और लगातार उसको बढ़ाया भी जा रहा है। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने BJP वर्कर्स की हत्या के आरोप में 2 किसानों को गिरफ्तार किया है। SIT के मुताबिक अरेस्ट किए गए किसानों की पहचान 29 साल के कमलजीत सिंह और 35 साल के कंवलजीत सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई है। बीजेपी वर्कर्स की हत्या के आरोप में अब तक इस मामले में 6 किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि ये जो पूरा हत्याकांड था उसमें कुल 13 लोग जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस ने कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट भी दायर की। इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया है और पुलिस ने 90 दिनों से पहले ही ये चार्जशीट दायर कर दी है। इसी 6 तारीख को इस मामले के 90 दिन पूरे होने वाले थे। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। चार्जशीट में पुलिस ने घटना को सोची समझी साजिश जो है करार दिया है। आपको बताएं कि बीती 3 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा की गाड़ी ने लखीमपुर में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। IIT दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA और ऑक्सफैम इंडिया सहित लगभग 6,000 जो संस्थान हैं उनके विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस हैं उनको खत्म कर दिया गया है।
बता दें कि विदेशों से फंडिंग के लिए FCRA का रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी होता है। अधिकारियों का कहना है कि इन संस्थानों ने या तो अपने FCRA लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन नहीं दी थी या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया। IMA के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने कहा कि IMA अपने FCRA लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पहले ही एप्लीकेशन दे चुका था, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है कि इसके जो आवेदन है हमारा उसका क्या हुआ। COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान IMA ने कई मौकों पर सरकार की ओर से कदम उठाने में कथित कमी को लेकर उसकी आलोचना भी की थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार अकेले दिल्ली से ही इनमें ऑक्सफैम इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, टाइम्स ऑफ इंडिया रिलीफ फंड, टाइम्स फाउंडेशन, विश्व धर्मायतन चंद्रस्वामी द्वारा स्थापित महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, जिनका FCRA पंजीकरण जो है उसको खत्म कर दिया गया है। और इसी सूची में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली, भारतीय प्रेस संस्थान के सहित कुल 6,000 जो संस्थान हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। और आज NewsClick के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जाइए। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। देखने के लिए शुक्रिया।